वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में, जहां एक किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने वो जो स्टेज लगा हुआ है उस पर यहाँ के किसान नेता बैठेंगे, और जो आप ग्राउंड देख रहे हैं इस ग्राउंड में किसान मोर्चा के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत बताया जा रहा है कि 1947 के बाद अब तक भी देश में कोई ऐसी महापंचायत नहीं हुई कि जिसमें लाखों की संख्या में किसान पहुंचने का कार्यक्रम कोई हुआ है, परंतु एक किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस मैदान को आप चारों तरफ से दिखा दूँगी, इसमें लाखों की संख्या में किसान पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहां पर किसानों के द्वारा 9 महीने से अधिक समय हो गया है, जिसको लेकर किसान कानून और कृषि कानून बिलों को लेकर, परंतु सरकार ने आज तक भी किसानों की कृषि कानून बिल पर कोई भी सहमति नहीं हुई। आप मैं अपने यहीं आपको दिखाऊंगा कि किसान किस तरह यहाँ मैदान में लगे हुए हैं। हम चलते हैं, यहीं पर कुछ किसान हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि ये महापंचायत कब शुरू होगी और कैसे। आपका नाम? विकास सर। विकास जी, यहाँ पर एक महापंचायत संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत का आयोजन किया जाए, कैसी है महापंचायत, कैसी अब तक बताया जा रहा है कि यहाँ इतनी बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में नहीं हुई? मुजफ्फरनगर में पूरे देश में आज तक इतनी बड़ी पंचायत नहीं हुई। आप देख रहे होगा कम से कम लाखों किसान फिलहाल पहुंच लिया, और अभी पंचायत शुरू होने में कम से कम ये मान के चलो कि 18 घंटे हैं, कल पंचायत शुरू होगी। नहीं, यहाँ प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? प्रशासन ने भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने भी रोडों की रोड वाइड कर रखे, चिकित्सा की व्यवस्था है, एम्बुलेंस में भी अपने उसमें लगे हुए हैं, और हमारे खुद के अपने वॉलंटियर हैं, हम लोग यहाँ अपने वॉलंटियर लिए हुए हैं, हम खुद वॉलंटियर हैं, अब खुद हम अपना कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बरसात हो चुकी है और बरसात के बाद भी किसान यहाँ पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहोगे आप? बरसात में तो और किसान ज़्यादा होगा भैया, अब देखना, क्योंकि अब तो सबने मन बनाया, चाहे यहाँ ओड़ा पड़े या कितने हो, यहाँ लोग नहीं रुक रहे, किसान यहाँ आओगे। अब देख रहे बरसात पानी भरा, हम सब लोग निकल लगे हुए हैं, पानी निकलने लग रहे, तो सब पानी निकाल से बिल्कुल सुखा देंगे, कल तक पंचायत के टाइम बिल्कुल सब कलर कर देंगे। यहाँ पर कितने किसानों की पहुँच चुकी? कम से कम 10 से 15 लाख किसान, कम से कम मानिए। तो किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? हर यहाँ पर हर सुविधाएं उपलब्ध है, उनके नहाने की, खाने की, रहने की, सोने की सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। प्रशासन के द्वारा क्या क्या चीज़ें उपलब्ध? प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, प्रशासन ने चिकित्सा की व्यवस्था करी, कुछ व्यापारी लोग भी यहाँ हमारे सहयोग कर रहे, जो डॉक्टर लोग हैं यहाँ हॉस्पिटल जिनके हैं वे भी हमारे सहयोग कर रहे, और ये तो इस सरकार की जड़ें हिलाने का काम होगा इस पंचायत। नहीं, 9 महीने हो चुके हैं लगातार किसान आंदोलन को, फिर भी किसानों की एक भी सरकार ने बात नहीं मानी। अब तो ना मान लो, अभी सर किसान ही कहाँ इसकी बात मानना, अब जैसे 22 का चुनाव सिर पर आ रहा है, ये गांव में घुस कर दिखे, किसी गांव में आके दिखे, अब हो गया इनका इलाज सारा, अभी ना जैसी वोट मिलेगी, पल्ले भर कर लेकर जाके थैले भर भर के। तो आपका मानना है कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, फुर सर, आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो जुड़े थे वो बाकियों के पूर्व तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा थे, उनका कहना है कि 2022 के चुनाव में सरकार का बहिष्कार किया जाएगा और सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर का जीआईसी मैदान है, जहाँ पर किसान महापंचायत का संयुक्त मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया है। अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि सरकार किसानों को फेंकती है या किसान सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। कैमरामैन कपिल राणा के साथ संजीव कुमार, राजपत्र टीवी।